तो यार होकाई का थर्ड एपिसोड देख लिया हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इसी थर्ड एपिसोड का हिंदी में ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। और ये ब्रेकडाउन वीडियो है तो ओबियस है स्पॉइलर भी होंगे, इसलिए पहले एपिसोड को देख लेना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड की ही तरह मार्वल ने इस एपिसोड की शुरुआत माया लोपेज के ओरिजिन से की है, जो कि 2007 से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे माया बचपन से ही डेफ है एंड उसके डैड अकेले ही उसकी परवरिश करते हैं। साथ ही डेफ होने की वजह से माया को अपने स्कूल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने डैड से कहती है उसे किसी ऐसी जगह पर भेज दे जहाँ सिर्फ उसके जैसे ही लोग हों। जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माया एक ऐसी लड़की है जो दो वर्ल्ड में भी जी सकती है। अब यहाँ जिन दो वर्ड्स को मेंशन किया गया है वो सिर्फ नॉर्मल लोग और डिसेबल लोगों के लिए हैं, जिन्हें माया के डैड ने अलग अलग वर्ल्ड कंसिडर किया है, इसलिए मल्टीवर्स जैसा यहाँ कुछ एक्सपेक्ट मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं माया एक मार्शल आर्ट स्कूल में होती है, जो कि उसकी ट्रेनिंग से पहले का सीन है। और यहीं उसके डैड उसे एडवाइस भी देते हैं कि लड़ाई में साइज मैटर नहीं करता, बल्कि स्पीड मैटर करती है और उसे अपनी स्पीड को ही बढ़ाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि क्लास के बाद अंकल उसे घर छोड़ देंगे, क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना है। जिसके बाद एक हाथ माया के गाल को पकड़ता है, जिसे देखकर माया स्माइल कर देती है। वैसे इस अंकल का फेस तो हमें यहाँ नहीं दिखाया गया, लेकिन कॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखे तो ये डेडेविल के फेमस विलन किंग पिंग का हाथ हो सकता है, जो र्यूमर्स के हिसाब से इस सीरीज का भी मेन विलन है। वैसे इसे ऑफिशियली तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन इसके सच होने के र्यूमर्स बहुत हाई हैं, जो कि आगे आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज हो ही जाएगा। खैर, इसके बाद माया का एक मार्शल आर्ट मैच होता है और यहीं पर हमें पता चलता है माया डेफ होने के साथ उसका एक पैर भी नकली है। बावजूद इसके वो फिर भी मैच को जीत लेती है और बड़ी होने तक वो एक काफ़ी अच्छी फाइटर भी बन जाती है। वैसे इसके बाद वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीन में हमें पता चलता है कि क्यों माया और ट्रैकसूट माफिया रोनिन के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि रोनिन ने माया के डैड और उसके साथियों को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए माया उसे ढूंढ रही थी। फिर इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ट्रैकसूट माफिया ने क्लिंट और केट को हॉर्स राइडर पर टेप से बांध के रखा होता है, जिसके बाद माया भी वहां आ जाती है और क्लिंट के कान में लगी मशीन को देखकर उसे लगता है कि वो भी उसकी तरह डेफ है, इसलिए वो उसके हाथ को खोल देती है ताकि वो उससे साइन लैंग्वेज में बात करके उसे रोनिन के बारे में बता सके। लेकिन क्लिंट उसे बता देता है कि वो डेफ नहीं है, उसे बस कम सुनाई देता है और साइन लैंग्वेज में बात करना भी उसे नहीं आता। जिसके बाद वो उसके हाथों को फिर से बांध देती है और रोनिन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर क्लिंट कहता है रोनिन तो मर चुका है और उसे ब्लैक विडो ने मार दिया था और केट ने तो वो सूट गलती से पहन लिया था, उसे रोनिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर माया को विश्वास नहीं होता और वो केट का गला दबाने लगती है, लेकिन काजी उसे छुड़वा देता है। वैसे इसी बीच क्लिंट केट से कहता है कि वो बस उसके इशारे का वेट करे ताकि वो उसे वहाँ से निकाल सके, एंड इतना कहते ही क्लिंट अपने हाथ खोल कर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हमें उसके और माया के बीच में एक हैंड टू हैंड फाइट भी देखने को मिलती है, पर इसी बीच उसके कान की मशीन टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर कुछ देर तक लड़ने के बाद उसके हाथ बो एंड एरो लग जाता है, जिसके बाद कोई उसके आगे नहीं टिक पाता और वो केट को वहाँ से छुड़ा कर बाहर ले आता है। एंड बाहर आते ही वो एक गाड़ी चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं और ट्रैकसूट माफिया भी उनका पीछा करने लगता है। जिसके बाद हमें एक काफ़ी अच्छा चेज सीन देखने को मिलता है और साथ ही होकाई के एरोज क्या क्या कर सकते हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। वैसे होकाई ने एमसीयू में जितने भी एरोज को यूज़ किया है या जो जो एरोज उसके पास हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल ये समझो कि उसके अब तक के बेस्ट एरोज हमें इसी एपिसोड में देखने को मिले हैं, जिनमें मुझे सबसे अच्छा लगा पिम एरो, जिसे उसने हैंग पिम के टैग को यूज करके बनाया है। खैर, एक दूसरे को मारने पीटने के बाद वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, जिसके बाद एरो खत्म होने की वजह से क्लिंट केट के साथ ब्रिज से कूदकर एक ट्रेन में आ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हियरिंग मशीन टूटने की वजह से क्लिंट को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि जब उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है तब उसे पता ही नहीं चलता कॉल पर उसका बेटा है। लेकिन केट एक डायरी में लिखकर उसकी हेल्प कर देती है। वैसे देखा जाए तो ये सीन काफी इमोशनल था, पर्सनली मेरे लिए तो सच में इमोशनल था, क्योंकि एक सुपर हीरो का इस तरह से डिसेबल होना काफी सैड फील देता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम कंट्री और अर्थ को बचाने में लगा दिया और जब फैमिली को टाइम देने की बारी आई
तब भी वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लिंट और केट सबसे पहले उसकी हेयरिंग मशीन को ठीक कराते हैं, उसके बाद ही आगे का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रैकसूट माफिया अब अपना अड्डा बदलने की तैयारी कर रहा होता है। काजी माया से कहता है जब अंकल को ये पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएगा, तो माया उसे धमकाते हुए कहती है कि यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ और सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। इसके बाद वापस क्लिंट और केट पर आए तो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और चलते चलते ही क्लिंट ट्रैकसूट माफिया के बारे में केट को बता रहा होता है कि कैसे ये एक छोटा सा ग्रुप था और अब पूरा माफिया बन चुका है और जो कोई भी इन्हें लीड कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें उससे दूर ही रहना होगा। जिस पर केट कहती है कि ट्रैकसूट माफिया से वो बाद में निपटेगी, लेकिन पहले उसे अपनी मोम को जैक के साथ शादी करने से रोकना होगा। जिसके बाद वो क्लिंट को अपने घर लेकर जाती है जहां वो उसकी मोम की बिशप सिक्योरिटी से काजी के रिकॉर्ड को ढूंढने लगती है। और तभी हमें पता चलता है काजी ट्रैकसूट माफिया में आने से पहले सैलोन लिमिटेड नाम की एक कंपनी में काम करता था। जिसके बाद क्लिंट कहता है ये नाम उसे कहीं सुना हुआ लगता है लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा। तभी क्लिंट को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन अंदर जाते ही जैक रोनिन की सवोर्ड को क्लिंट की गर्दन पर लगा देता है, जिसके साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, होकाई के एपिसोड तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जो इसका एम है वो मुझे कहीं भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। सभी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रेडिक्ट कर पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। होकाई को अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस भी मनाना है और उसे ट्रैकसूट माफिया से भी लड़ना है, जबकि उसने रिटायरमेंट भी कब का ले लिया है और अब गेट की फैमिली के साथ उसकी प्रॉब्लम्स अलग से जुड़ गई हैं। अगर आपको इससे कुछ समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना एक हफ्ते का वेट तो करना ही है। और साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel alive. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.